ये हमारे पास एक अनब्रांडेड जो एयर कंडीशनर है वो यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रिक, इसको लगा देते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक को मैं इन कर देता हूँ और इसको ऑन कर देते हैं। इस वक्त जो इसका डिस्प्ले है 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो शो कर रहा है। अगर इसका स्टैंडिंग प्रेशर इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त यूनिट चूँकि आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये 290 PSI के करीब है। अब इस यूनिट को मैं चलते रहने दूंगा और तकरीबन ये 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के दरमियान में ये फॉल्ट आता है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो एरर आ रहा है वो क्या है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो यूनिट जो है वो अपने मैक्सिमम पीक पे जा चुका है और ये देखें जी 12 एम्पेयर पे जा चुका था, लेकिन साथ ही इसके एम्पेयर जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं और देखें जी स्लोली स्लोली अब कम हो रहे हैं। तकरीबन 12.5 एम्पेयर तक गया है ये, फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने। ये देखें जी इस वक्त 12.6 एम्पेयर जो है वो इस वक्त कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये फॉल्ट इसमें आ रहा है। इस तरह से इसमें नहीं होना चाहिए, देखें ये अभी कम हो गया है। जबकि अगर प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, इस वक्त इस पर तकरीबन 110 का प्रेशर है, बिल्कुल ठीक है, 110 115 के करीब चल रहा है, तो ये एक अच्छा प्रेशर है। अगर इसकी गैस की पोजीशन देखी जाए तो ओके है इसमें, लेकिन जो एम्पेयर्स है वो इसके ओके नहीं है, तो इसके ऊपर चेक रखेंगे जितनी देर तक कि इसका एरर नहीं आ जाता। और ये इसका जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो गया है, तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 मिनट जो है इसने काम किया है। ये देखें ये एम्पेयर इसने छोड़ दिए हैं और देखें जी हमारी जो प्रेशर गेज है वो भी ऊपर आना शुरू हो गई है। इसका डिस्प्ले भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IR का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आना शुरू हो गया है, वेरी स्ट्रेंज एरर। तो ये जो इसका IR ये इसमें फॉल्ट नहीं है बल्कि 16 डिग्री आया है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो गौर से देखिएगा ये 17 हो गया। अब मैं इसको मज़ीद चेंज करता हूँ, अप एंड अप करता जाता हूँ, ये 20 आ गया। 20 जो है वो पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन इस तरफ से नीचे से और एक लाइन ऊपर से जो है वो मिसिंग है। इसी तरह से अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो देखें जो 21 है वो बन गया लेकिन पूरा नहीं नज़र आ रहा है। देखें देखें नीचे का जो डिजिट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर का डिजिट है वो सही नहीं है। अब ये देखें ये 30 है, तो 30 पे जो है वो आपको यहाँ पर 2 लाइनें मिसिंग नज़र आ रही है और अब ये उल्टा हो गया, आई जो पहले आई उस तरफ नजर आ रहा था अब ये इस तरफ को नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका डिस्प्ले है इसमें इस वक्त फॉल्ट है, इसलिए ये प्रॉपर जो एरर है वो शो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका ये डिस्प्ले ठीक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले ये इसका डिस्प्ले ही निकाल लेते हैं, तो इसके लिए इसका ये कवर जो है वो खोलना पड़ेगा। अब इस डिस्प्ले में हम देखेंगे कि क्या इसकी LEDs जो हैं वो ओके हैं या नहीं। ये जो इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड का जो सेगमेंट है ये वाला जो है वो इसके 2 नंबर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों काम नहीं कर रही हैं, ऊपर नीचे वाली LEDs को अगर देखा जाए तो दिखने में तो ऐसे बिल्कुल ओके नज़र आ रही हैं, इनमें कोई भी ऐसा मुझे फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये इसके लॉक यहाँ पर लगे हुए हैं, इस लॉक को हम पुश करेंगे बैक की तरफ, देखें जब इसको पुश करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, पर आ गया। इस तरह से इस साइड से भी कर लेंगे और ये ऊपर आ गया जी, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंद है इस पर, ओके हो गया। तो ये IC जो है वो इन LEDs को ऑन और ऑफ करने का इसकी ज़िम्मेदारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 14 पिन जो IC है, इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ क्या है, SC 164। तो ये शिफ्ट रजिस्टर IC है, तो अगर इसमें फॉल्ट होगा तो फिर भी ये LED जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। बाकी इसकी तमाम ये रेजिस्टेंस वगैरह भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे दिखने में फिज़िकली जली ना हो, तो फिर भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो नॉर्मली तो ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब ऐसे दिखने में तो नहीं नज़र आ रही, तो इस IC को ही डायरेक्टली हम चेंज कर देते हैं। हॉट गन का इस्तेमाल करेंगे, आउट हो गया इसको,
थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे इसके ऊपर। अब थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं हम, ताकि इसके ऊपर दोबारा से जो है वो काम आसानी से हो सके। और इस चीज़ को हमने ज़रूर देखना है कि हमारी पिन जो है वो बिल्कुल ओके हो, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब दूसरी साइड के लिए पूरी सोल्डर वायर ही यूज़ करेंगे। ओके हो गया। और इसी तरह से इस तरफ भी यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके हो गया। अब ये सेंटर वाली में रहता है। तमाम के तमाम जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो खोल लेते हैं सारे को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने जो एम्पेयर्स है या करंट है इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो ये क्यों हाई हो रहा था? क्योंकि पीसीबी जो है वो प्रॉपर करंट डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो एम्पेयर्स हैं वो ज़्यादा देर के चेक कर रहा है। और इससे क्या होता है कि कभी ऊपर कर रहा है, फ्लो ज़्यादा कर रहा है, और कभी करंट का फ्लो कम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जब वो उसको टेस्ट नहीं कर पा रहा है कि ये करंट यहाँ पे कितना है, तो फिर वो हमें EA का जो एरर है वो डिस्प्ले पे शो करता है। अब EA का एरर कंपनी जब कहती है CT का एरर है, मतलब कि CT का जो ट्रांसफार्मर और इसके अलावा करंट डिडक्शन जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये करंट डिडक्शन कहाँ से होगी। अगर देखा जाए यहाँ पर इस PCB में, तो यहाँ पर एक PCB मौजूद नहीं है, बल्कि दो PCB और लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पावर PCB है, इसके बाद इसमें हमारे इस वक्त लेफ्ट साइड पे है PFC PCB है, इसी तरह से हमारे राइट साइड पे है IPM PCB है। जो फॉल्ट है वो है पावर PCB में। तो चलिए मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट किस जगह मौजूद है। तो ये तमाम इसके कनेक्टर वगैरह हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इस पावर PCB में कौन सा सर्किट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो सर्किट है ये देखें, यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर इसमें फॉल्ट होगा तो ये जो PCB है वो मसला करेगा। लेकिन उसमें भी सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसका ये लगा हुआ जो करंट ट्रांसफार्मर है ये ठीक होना चाहिए। अगर ये ओके है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर जो प्रॉब्लम होगी फिर आगे इस सर्किट में या फिर माइक्रो कंट्रोलर में हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहले हमें ये कन्फर्म करना है कि ये जो इसका CT है ये ओके है या नहीं है। तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये ओके है कि ख़राब है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। अब यहाँ पर चार पिनें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये चारों पिनें जो हैं वो जो CT है या करंट ट्रांसफार्मर इसके साथ ज्वाइंट हैं। तो ये जो ये वाली दोनों पिनें हैं ये आपस में सीरीज़ में हैं, और ये जो दोनों पिनें हैं ये आपस में सीरीज़ में हैं। तो ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होती हैं। अब सबसे पहले हम इस तरफ वाली पिन को चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, 0.4 ओम्स इस वक्त यहाँ पे वैल्यू है, जो कि ओके पोजीशन है। ये जो पहला हमने टेस्ट किया है, यहाँ पे सिर्फ एक वायर जो मोटी वायर है वो यहाँ से गुजर रही होती है, और करंट जब यहाँ से गुजरता है तो दूसरी तरफ इसके ये वाली साइड पे एक कॉइल होती है, तो इस कॉइल में जो है वो इंडक्शन पैदा होती है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इस वाली जो दूसरी कॉइल है इसके अंदर आ जाती है। तो उससे फिर आगे सिस्टम करंट का अंदाजा लगा रहा होता है कि यहाँ से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कॉइल हमारी यहाँ पे ठीक है कि खराब है। इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये तकरीबन 4.99 किलो ओम्स वैल्यू इस वक्त इसमें आ रही है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब यह है कि ये
फ्रंट ट्रांसफार्मर है ये फॉल्टी हो चुका है, लेकिन कैसे उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास ये एक नया करंट ट्रांसफार्मर है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ऊपर से जा रही है वायर, ये मोटी एक वायर है जो कि ये दोनों आपस में पॉइंट जो है वो एक सीरीज में है। इस तरह से यहाँ पे छोटी वायर्स हैं, देखें तो ये जो है इस तरफ कॉयल है, तो कॉयल यहाँ से गुजर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कॉयल की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये ओके है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो तकरीबन 266 ओम्स की वैल्यू आ रही है। ये जो ओरिजिनली इसमें लगा होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसकी वैल्यू 500 से लेकर 700 के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जब इसकी कॉयल की जो वैल्यू है वो किलो ओम्स में चली जाती है तो वो फिर प्रॉपरली जो है वो आगे जो सिस्टम है जो सर्किट है उसमें करंट ट्रांसफार्म नहीं कर पाता है, इस वजह से फिर ये फॉल्टी कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले जो है वो इनको हम थोड़ा सा गर्म करके और मैं सोल्डरिंग ऐड कर देंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं यहाँ से। इसको निकाल लेते हैं जी। अब ये मैंने सिस्टम से निकाल तो लिया है, अब दोबारा से हम इसकी जो छोटी पिन है उनको चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू जो है वो 6.90 या 7 मेगा ओम्स तक जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस वजह से ये जो सीटी है ये फॉल्टी हो चुका है और ये किसी काम का नहीं है। तो इसकी जगह मैंने आपको जैसे कि पहले दिखाया तो ये वाला हम नया सीटी लगा देंगे ताकि हमारा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए। अब ये नया सीटी जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर है इसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब सीटी या करंट ट्रांसफार्मर को चेंज करने के बाद देखते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये तो सेम ही है जो कि बड़ा वाला है, लेकिन इसकी थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा है, 1.2 ओम्स है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला है। जो वैल्यू हमने देखी थी इसकी 266 ओम्स, तो वही सेम यहाँ पर आ रही है। तो अब ये सिस्टम में हम लगा के देखते हैं कि क्या ये वाकई ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो ओरिजिनली आता है वो 700 ओम्स तक होता है, तो क्या इतना डिफरेंस जो है वो इसके लिए सही है कि नहीं। और अगर ये यहाँ पे ये काम करता है तो इसका मतलब है कि 300 से लेके 700 ओम्स तक अगर है तो ये प्रॉपरली काम करेगा। अब इस यूनिट को मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ। ये मैंने ऑन किया और रिमोट से इसको मैं ऑन करता हूँ, तो ये 16 डिग्री पे काम करना शुरू कर दिया इसने। 16 डिग्री जो है वो इस वक्त स्टेबल हो गया है। यहाँ पर देखें इस वक्त जो एम्पेयर्स हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं इस वक्त, और जब इसकी हम प्रेशर गेज देखते हैं तो प्रेशर गेज इस वक्त बिल्कुल स्टेबल है, 310 PSI स्टैंडिंग प्रेशर है इसमें। अब ये यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गया है और आप देखेंगे कि इसका फ़ैन जो है वो पहले स्टार्ट हुआ है। आप देखें कंप्रेसर ने भी जो है वो स्टार्टअप ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 0.9 एम्स जो है वो इस वक्त प्रेट हो रहे हैं, 1.2। अब देखें इसके जो करंट डिटेक्शन जब सही हो गई है तो अब ये एम्पेयर्स भी ग्रेजुअली बढ़ा रहा है, पहले जो था ये बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाता था। प्रेशर गेज भी जो है वो देखें नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पे अगर मैं कूलिंग देखूँ तो मुझे अच्छे से कूलिंग जो है वो महसूस हो रही है, बेहतरीन। तो अभी 6.6 एम्पेयर्स अभी फ़िलहाल ले रहा है, तो कूलिंग अच्छी आ रही है यहाँ पर। अब वो वाली जल्दी जो है वो यूनिट को नहीं है, क्योंकि उसका जो करंट डिटेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर हो चुका है और यूनिट जो है वो 8.8 एम्प्स पे जा चुका है। अब ये इसकी फाइनल स्पीड है, इसके बाद इसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं करना है। इसके बाद ये कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जो है ना इस वक्त इसके करंट पे नज़र रखें, तो फिर जब दोबारा इस पर आगे काम करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अब हम इसकी गैस को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमारा बिल्कुल ओके चुका है, तो इसको स्टोर कर लेते हैं। तो पहले डिस्चार्ज पाइप को बंद कर लेते हैं। मैंने डिस्चार्ज को बंद किया और देखें गेज हमारी जो है वो नीचे जाना शुरू कर दिया इसने। अब जो है वो इसकी मैं सेक्शन लाइन को भी बंद कर दूंगा, लेकिन ये जल्दी करनी होगी, एक मिनट के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना होगा। बंद हो गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।